हाँ जी, खालसा टीवी चैनल देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अज असी मौजूद हाँ जी जिला मोहाली दे पिंड बजीतपुर दे विच, ते उत्थे तुसी देख रहे हो कि विसाखी ते जो है कणकां दी वढाई का काम शुरू हो चुका है। ते तुसी देख भी रहे हो कि जिस तरह जिस तरीके नाल लॉकडाउन चलिया होया ते करफ्यू लग्या होया, उहदे बावजूद भी ये बेचारे प्रवासी जो भरा हैगे है इत्थे आ के वढाइयां करके अपना पेट पालन जो है रुजगार बनाने की कोशिश कर रहे ने, तो आप इन्हां नाल भी गल कर लेंदे हैं। अच्छा भैया, बात ऐसी है कि जैसे वो आपके यहाँ से जैसे प्रवासी मजदूर यहाँ से गए हैं, ठीक है ना, तो उनका यहाँ से जाना ठीक था पंजाब के अंदर से, क्योंकि पंजाब के अंदर तो हर तरह की सहूलत मिल रही थी। हाँ जी, देखिए सरदार ये ऐसे बात ऐसे है कि जहाँ पर भी बीमारी जहाँ तक फैल गया है, इंसान को वहीं उस जगह में रहना चाहिए, लेकिन जो दूर चले गया, कोई कहीं चले गया, वहाँ बंदगी करके उसको तो जाना ही नहीं चाहना था, लेकिन जो भी चले गया तो वो तो बीमारी का घर ही है। जैसे आप लोग यहाँ पे आप बोल रहे हो कि एक महीना सरदार जी के यहाँ पे आपको रहते हुए हो गया, तो यहाँ पे आपको लगता है कि आप बिल्कुल यहाँ पे सेफ हो, आपको कोई बीमारी से बचाव है आपको? हमको बीमारी से बचाव है, हमको कोई बीमारी आजारी नहीं है। हम लोग के पास जितना भी टीम का हम लोग हैं, दूरी दूरी में जैसे सरदार बोलता है कि ऐसे तो दूरी में रहो, हम लोग वैसे वैसे दूरी में रहते हैं। तो आपको खाने पीने की किसी चीज़ की दिक्कत भी नहीं? दिक्कत नहीं है हम लोग को खाने पीने का, जो 3-4 रोज जो हम लोग बैठे रहे हैं वो तो सरदार जी हम लोग को चावल चुबल आन के दे देता था, बोलता है कि आराम से खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग रहो। तो यही देखो जी, यही बहुत वधिया गल साडे भरा ने इन्होंने कही है जो इत्थे कणक की कटाई कर रहे हैं, कि जो प्रवासी मजदूर इतों हिम्मत हार के गए हैं या जो इतों गए हैं उन्होंने जाना नहीं चाहिए सीगा, क्योंकि पंजाब दे विच इन्हां नू सारियां सहूलतां मिल रही हैं, थोड़े सामने की गल है, तो इन्हां नू पैसे भी मिल रहे हैं ते नाले खाण पीण नू मिल रहा, रहण नू भी मिल रहा है। सो आपां नू भी ये चीज़ां सीखनियां चाहीदियां कि जिस तरह ये लोग मेहनत कर रहे हैं, साडे आप पंजाब दे जो अपने पंजाब दे जो लोकल जो लेबर करदे हैं या लोकल मुंडे हैं, उन्हां नू भी ये चीज़ सीखनी चाहिए है कि सानू जो है खुद अपने खेतों जाके अपने पिंडां दे विच एक दूजे का साथ देना चाहिए, एक दूजे का हाथ वंडाना चाहिए, जिस तों कि साडी जिहड़ी खेती होर उच्च पद्धर ते जावे ते इहदा खर्चा भी घटेगा ते नाले साडी सेहतां भी ठीक होणगीआं, क्योंकि मेहनत करांगे तां आपां अगे वास्ते जो है अपने शरीर नू तंदुरुस्त रख सकांगे। सो खालसा टीवी चैनल देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अमित कुमार भारद्वाज, खालसा टीवी चैनल, न्यू चंडीगढ़। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तुसी देख रहे हो खालसा टीवी न्यूज़ चंडीगढ़। जिवें कि पूरे पंजाब भर के विच लॉकडाउन की स्थिति बरकरार है, इस दे दौरान किसानां दीआं फसलां जो कि वढ़न लई तैयार वर तैयार ने, न्यूज़ चंडीगढ़ एरिए दे विच तकरीबन बहुत सारे किसानां ने अपनी फसलों की कटाई करनी शुरू कर दिती है। असी हम दिखाने इतने साढ़े तुसी देख रहे हो कि प्रवासी मजदूर लगा के किसानों ने फसलों की कटाई शुरू कर दिती है। असी इन्हां नाल गलबात करते हैं, पर उन्हां वल्लों जो मजदूर लगाए गए ने वह लगातार फसलों की कटाई कर लगे हुए ने, ते ज्यों ज्यों दिन छिप रहा है त्यों त्यों किसानों नूं भी थोड़ा फिक्र लग्या होया है। कुछ मौसम भी चेंज हो रहा, बदलवाई बनी पई है, तुसी देख सकते हो, पर बारिश की भी संभावना लग रही है, ते किसानों के मनां दे विच कुछ डर भी बनिया होया है। ते ज्यों ज्यों दिन छिप रहा है किसानों ने इन्हां नूं भी जो इत्थे मेहनती मजदूर लगे हुए ने हदायतां दित्तियां गईयां ने कि जिन्नी छेती हो सके फसल की कटाई कर दित्ती जावे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नेम सिंह। हां, नेम सिंह। नेम सिंह, हां। अच्छा, किसकी फसल काट रहे हो? रतवाड़ा साहब की। हैं, रतवाड़ा नाम है इसका? रतवाड़ा, हां। अच्छा, जैसे लॉकडाउन दौरान आपको पता है स्थिति क्या बनी हुई है? वो तो बनी हुई है जी, पता है ना? हां जी। तो आपको क्या बोल रखा है जो किसान है जिसकी फसल है? उसने लोग कह दिया थोड़ा थोड़ा दूरी पे काट रहे हूं। अच्छा, हाँ जी। आपको सख्त हदायत दी गई है कि दूरी पे बैठ के काटनी है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, मुंह पे मास्क भी बांधना है आपने, ये भी कहा है? हाँ, बांधा है।
आपने इस टाइम नहीं बांधा? अभी नहीं बांधा। अच्छा बांधा है मेरे रखा उधर। अच्छा अगर जैसे अभी माहौल ऐसा है कि ज्यादातर प्रदेशी मजदूर है जो प्रवासी मजदूर है तकरीबन सारे फ्री बैठे हैं, किसी के पास काम नहीं है, तो इस स्थिति में आप कैसे रहे हो? मतलब खाने पीने का क्या? खाने पीने गुरुद्वारे पे खाइए, ब्लॉक जाके। ब्लॉक गुरुद्वारे में? हाँ जी। अच्छा जो आप रहते कहाँ हो? रहते यहाँ रहते हम, ये कौन से पिंड है? करतारपुर अड्डे पे रहते हैं। अड्डे पे रहते हो? मोटर पे या अड्डे पे? अच्छा घर किराए पे मकान ले? हाँ जिम्मेदार की। कितने मेंबर हैं आपके? मेरे 8 मेंबर हैं जी। ये जो फसल काट रहे हैं हाँ। ये सारे आपके फैमिली मेंबर हैं? हाँ जी, दो मेरे बच्चे उधर हैं। अच्छा उधर कमरे पे। अच्छा ये जो फसल आप काट रहे हो इसका क्या मतलब प्राइस क्या रखा, कितने पैसे लेते हो आप एक किलो के? इसके अभी 6000 रुपए जी। 6000 रुपया? हाँ जी। अच्छा कितने किले काट दिए अभी तक? अभी यही काटा, अभी तो आज पहला दिन। पहला दिन है आपका? ठीक है। तो आप जैसे लॉकडाउन चल रहा है, अगर लॉकडाउन खुल जाता है तो आप पंजाब में रहना पसंद करोगे या अपने गांव जाना चाहते हो? पंजाब रहेंगे हम तो जी। अच्छा पंजाब में रहने हमने? नहीं, तकरीबन जितने यहाँ प्रवासी मजदूर हैं उनका कहना है कि हमें काम नहीं मिल रहा, हम जाना चाहते हैं यहाँ से, आप क्या कहोगे? हम तो इधर ही रहेंगे जी, हम तो काम। आपको काम मिल रहा है? हाँ। पहले क्या काम करते थे आप? मेरा फ्रूट का काम था जी। कहाँ पे? यही यहाँ पे बूथगढ़। बूथगढ़ में? हाँ जी। अच्छा अभी फैमिली मेंबर को लगा के यहाँ पे आप फसल कटाई कर रहे हैं? हाँ, वो फ्रूट बिक नहीं रहा तो मैंने कहा अपनी कटाई कर लें। अच्छा पहले भी करते थे कभी? मैं पहली बार करिए जी, ये तो पहली बार। मजबूरी में कर रहे हो? मजबूरी में कर रहे हैं ये। और कोई काम नहीं मिला तो ये करना पड़ रहा है? मेरा पहले ठेकेदारी का काम था रंग सफेदी का। अच्छा सनिकानवे से मैं 84 से करता आ रहा हूँ ठेकेदारी अपनी। अच्छा फिर मैंने ये 3 साल से फ्रूट में काम कर रहा हूँ। अच्छा फिर लग गया ये लैपटॉप। अच्छा अब मैंने भी चलो बेले से अपना कुछ ना कुछ बनी जाए। नहीं मतलब आप ये मजबूरी में काट रहे हो, पहले आपका काम और था? किस्सा नहीं था ये? ना मैंने नहीं किया जी कभी। आपके जो फैमिली मेंबर है ये इन्होंने कोई ऐतराज किया है कोई के हम नहीं काटेंगे या मतलब ये पहली बार कर रहे हो? नहीं नहीं इन्होंने कोई ऐतराज नहीं किया। अच्छा कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? नहीं नहीं किसी को कुछ नहीं है। अच्छा हाँ आप खुश हो? मतलब हम तो खुश हैं महाराज। ठीक साढ़े नाल जिस खेत की इतने फसल कट्टी जा रही है उस फसल के जो किसान ने वो भी साढ़े नाल मौजूद ने। भाई जी जिस तरह लॉकडाउन लग्या हुआ इस टाइम हाँ। ते प्रवासी मजदूर थानू पता मिलते नहीं आता है जी, थानू किवें मिल गए? ये तो बस हम भुखे मरते हैं, इन्होंने तो हम रोटी खानी हो। अच्छा नहीं पहला जो पहला फसल कट आंदी रही हाँ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਆ ਰੇਟ ਦੁੱਗਣੇ ਪਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੇਟ ਚ? ਨਾ ਨਾ ਰੇਟ ਉਹੀ ਆ ਬਾਬੇ। ਅੱਛਾ ਰੇਟ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰਪੈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਕਹੋ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਬਾਈ। ਅੱਛਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਆ ਕਾਟਵਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ 1.5 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਵੱਢਣੀ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਣੇ ਵੰਡਨੇ ਕਣਕ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਘਰਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਨਾ ਵੇਚੂਗੇ ਮੰਡੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਯਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾੜੀ ਵਗੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਦੇ ਵੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਮੰਡੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾ ਮੰਡੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਊਂਗੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 30 ਤਰੀਕ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚੂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬੋਨਸ ਹੈ, ਕੋਈ 30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬੋਨਸ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਐਂ ਆ ਵੀ ਜੇ ਬਾਂਸ ਮਿਲੂਗਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਂ ਗੇਰੂਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਰੇ? ਹਾਂ ਬਈ 3 ਕਿੱਲਾ ਹੈ। 2 ਕਿੱਲਾ? ਅੱਛਾ 2 ਕਿੱਲੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਉੱਧਰ ਆਪਣਾ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਉੱਥੇ ਏ, 1.25 ਦਵਾੜ ਉਰਾ ਏ, 1.5 ਕਿੱਲਾ ਬੀੜ ਮੈਂ। ਟੁੱਟਵੀਂ? ਹਾਂ ਟੁੱਟਵੀਂ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇਰੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕਿਆ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ? ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕਰਿਆ ਵਾ ਵੀ ਆਪਣਾ 65 ਰੁਪਈਆ ਰੇਟ ਕਰਿਆ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, 25 ਕਿੱਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਲੇ ਪਿੱਛੇ ਡੇਲੀ। ਹਾਂ ਕਿੱਲੇ ਪਿੱਛੇ? ਕਿੱਲੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ, 25 ਕਿੱਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਡੇਲੀ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਡੇਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿੱਲੇ ਪਿੱਛੇ? ਕਿੱਲੇ ਪਿੱਛੇ? ਹਾਂ ਕਿੱਲੇ ਪਿੱਛੇ।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਉਹ ਚਾਹ ਚੂ ਆਪਾਂ ਬਈ ਚਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ ਪੰਜ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਰੋਟੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਆ ਬਸ ਹੁਕਣ ਪੱਕਾ ਕਰਿਆ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹਾਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਰ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਅੰਤ ਤੰਤੋਂ ਕਣਕ ਚੱਲੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਕੁਛ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਰਕਲ ਬਾਕੀ ਦੇਖੇ ਰਹੇ ਆ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨੇ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਫਸਲਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਿਰਫ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਪੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਣ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਜੇ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਟੀਵੀ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ